हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, यदि आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है या फिर विकलांग व्यक्ति जिनको कि पेंशन मिलती है या फिर पेंशन मिलने वाली है और आप चाहते हैं कि उनका नाम पेंशन लिस्ट में देखें और ये पता करें कि अभी तक आपके घर के उस सदस्य को जिनको पेंशन मिलती है अभी तक कितनी किस्त मिली है, कौन से बैंक में मिलती है, ये सब यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। जब आपका ब्राउज़र ओपन हो जाए तो उसके एड्रेस बार में पेंशन लिस्ट लिखकर सर्च कर दीजिए। थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है वृद्धावस्था पेंशन। यहाँ देखिए, नीचे में लिखा है विकलांगजन पेंशन। फिलहाल हम वृद्धावस्था पेंशन में क्लिक करके वृद्धावस्था पेंशन का लिस्ट देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन का पेज ओपन हो गया है। इस पेज के ज़रिए आप पेंशन लिस्ट देख सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है पेंशनर सूची। पेंशन सूची 19-20 है जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। पेंशन सूची 18-19 है, ये अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं। पेंशन सूची 17-18 है, इसको भी देख सकते हैं। पेंशन सूची 16-17, 15-16, ये सब अवेलेबल है। केवल 19-20 फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप इसको नहीं देख सकते हैं। तो चलिए, पेंशन सूची 2018-19 पे हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक नया पेज खुला है। उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, यहाँ पर सभी ज़िले शो हो गए हैं। तो आपका घर जिस भी ज़िले में है उस ज़िले को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए, मैं यहाँ पर बस्ती को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो बस्ती है इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है जनपद बस्ती और उसके नीचे देखिए लिखा है वृद्धावस्था पेंशन ग्रामीण क्षेत्र और यहाँ देखिए वृद्धावस्था पेंशन शहरी क्षेत्र। यदि आपका घर गाँव में है यानी ग्रामीण क्षेत्र में तो आपको इस वाले लिस्ट में देखना है और यदि आपका घर शहरी क्षेत्र में है तो आपको इस वाले लिस्ट को सेलेक्ट करना है। तो चलिए, हम ग्रामीण क्षेत्र के किसी ब्लॉक को ले लेते हैं। यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे है बनकाटी, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपके ब्लॉक में जितने भी गांव होंगे वो सभी गाँव यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने गाँव को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, मैं कोई भी एक गाँव ले लेता हूँ। यहाँ देखिए लिखा है बरहुआ, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ देखिए, बरहुआ ग्राम पंचायत में 3 गांव हैं। पहला है बरहुआ, दूसरा है देवरी और तीसरा है टिघरा। तो इसमें से आपका जो भी गांव है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे बरहुआ गांव को ले लेते हैं। तो इस बरहुआ गाँव में फ़िलहाल में 61 व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है और ये जो है क्वार्टरली मिलता है, यानी कि हर 3 महीने पे एक बार वृद्धावस्था पेंशन मिलता है। तो इस बरहुआ गांव में कितने पेंशनर्स हैं यानी कितने व्यक्ति को पेंशन मिलता है, उनका नाम क्या क्या है, इसको जानने के लिए यहाँ जो संख्या दिया हुआ है 61, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, इस बरहुआ गाँव में जितने भी व्यक्ति हैं उनका यहाँ पर रजिस्टर संख्या नंबर, उनका नाम, पिता का नाम, क्वार्टरली धनराशि कितनी मिलती है, यहाँ देखिए 1200 रुपया, और कौन से बैंक में मिलती है, यहाँ देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बगल में देखिए दिया हुआ है अकाउंट नंबर कि कौन से अकाउंट नंबर में मिलती है। तो इसी प्रकार से आप भी अपने गांव के वृद्धावस्था पेंशन या फिर विकलांग पेंशन लिस्ट देख सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि आपके घर में जो वृद्ध व्यक्ति हैं या फिर विकलांग व्यक्ति हैं उनको कितनी पेंशन मिलती है और कौन से बैंक में मिलती है और अभी तक कितना किस्त उनको मिल चुका है, ये सब यहाँ से देख सकते हैं। और यदि आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और स्टेट के हैं तो आपको लिखना है पेंशन लिस्ट ऑल इंडिया, लिखकर सर्च कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर पहले ही नंबर पे लिखा है गूगल प्ले पेंशन लिस्ट 2019 ऑल इंडिया। आप यदि चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से पेंशन लिस्ट ऑल इंडिया एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके किसी भी स्टेट का पेंशन लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसको जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।